दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षक जो कि एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं और सही में अपने आने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हैं और अच्छा मार्क्स चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो है। बाकी लोग यहीं पर वीडियो छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अब आपके आने वाले जो कम समय है इसमें आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको जो है चीजें यहां पर चलानी है आपके बाकी काम के साथ, ताकि आप आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स से यहां पर जो है एक्सेलेंट मार्क्स से आप यहां पर जो है अपने 504 और 505 में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं अपने एग्जाम को। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, ठीक है? चार स्टेप्स हमारे पास है। इस चार स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं, पास छोड़िए आप बहुत ही अच्छे मार्क्स यहां पर ला सकते हैं। पास करने वाली बात पिछले सेमेस्टर तक थी, इस बार हमें बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आना है। मैं आपको चार स्टेप्स बताता हूं, जो चार स्टेप्स हमें बेसिकली फॉलो करना है, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट के लिए। सबसे पहला स्टेप मैं बताता हूं, सबसे पहला स्टेप जो लोग यहां पर जानते हैं योर ऑनलाइन पार्टनर को और योर ऑनलाइन पार्टनर की तरफ से जो अनअकैडमी पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसे जानते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि योर ऑनलाइन पार्टनर की तरफ से कोर्स 504 और 505 की शॉर्ट नोट्स, ये वैसा शॉर्ट नोट्स है जो कि आप अपने घर में जब आप पढ़ते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो छोटा सा नोट्स बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होता है लास्ट मोमेंट के लिए, उस प्रकार का नोट्स यहां पर आपके लिए योर ऑनलाइन पार्टनर की तरफ से बनाया गया है और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अनअकैडमी पर, ठीक है? तो आपको आपके लिए यह है पहला स्टेप, ठीक है? आप एकदम इसको नोट कर लीजिए और अगर ये आप फॉलो करते हैं अगले 15-20 दिन तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है? उसे आप जो है यहां पर आपको अब क्या करना है, ये पहले स्टेप में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लेना है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन कैसे देखेंगे, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे में यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन रहता है, उसमें आप यहां पर शो मोर आएगा, शो मोर पे क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर दिखेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक आपको यहां पर दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू फॉलो ऑन अनअकैडमी फॉर एनआईएस डीएलएड सीटेट एंड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहां पर ये पहले वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए वहां पर ये फॉलो पे क्लिक कर देंगे। आप जब फॉलो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड कोई नया मांगेगा, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर सारा वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस में आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने यहां पर कुछ चेंजेस भी किया है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं यहां पर बोल रहा हूं। आप लोगों के लिए कुछ चेंजेस किया है मैंने, यहां पर मैं आपको क्लियरली विजिबल करवा देता हूं कि आखिर यहां पर चेंजेस हुई क्या है। देखिए अभी मैं क्या किया हूं कि आप लोगों को अच्छे से यहां पर समझ में आए कि कौन सा वीडियो किसके लिए है, उसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा कुछ काम किया है, ठीक है? उसके लिए क्या किया है, आप देखिए, जो आप यहां पर ऊपर में देखिएगा जो यहां पर नाम लिखा हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। देखिए यहां पर लिख दिया है 505 ब्लॉक 1 ईबीएस, ठीक है? तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा 505 कोर्स है उसका जो ब्लॉक 1 है वो पूरा यहां पर एनवायरमेंटल स्टडीज का यानी पर्यावरण अध्ययन का इसमें बताया गया है। तो ये जब आप कोर्स ओपन करते हैं तो इसके अंतर्गत आप डिफरेंट लेसन्स पाते हैं, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा। तो ये जब आप कोर्स ओपन करते हैं तो उसको कोर्स को आपको इनरोल करना है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो है यहाँ पर आपको लेसन्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर कोर्स के, ठीक है? तो उस कोर्स के रिलेटेड जितने भी लेसन्स होंगे, जैसे कि इस कोर्स में आपको यहाँ पर टोटल 15 लेसन्स हैं, ठीक है? तो ये 15 लेसन्स आप देख लीजिए एक एक करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके आपको यहाँ पर सी ऑल लेसन्स पे क्लिक करेंगे, 15 लेसन्स देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, एक एक लेसन्स करके अच्छे से देखेंगे, उस पर कॉमेंट करेंगे, कोर्स को इनरोल कर लेंगे और यहाँ पर जो है उस सारे लेसन्स का जो शॉर्ट नोट्स है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे लेसन्स का जो शॉर्ट नोट्स है उस शॉर्ट नोट्स को अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट, हालांकि सारा पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट ही बस बताया गया, क्योंकि पूरे किताब को, पूरे ब्लॉक को आपको 15 लेसन में बांटा गया है और वो 15 लेसन आपका 8 मिनट 10 मिनट का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना उससे निचोड़ निकाल के, जबकि कुछ भी यहाँ पर टॉपिक से कंप्रोमाइज नहीं किया गया, हर एक चीजों को लिया गया है। तो ये आपका पहला स्टेप है कि आप यहां पर जाएंगे, इस वीडियो के सारे लेसन्स को देखेंगे और उसे नोट करेंगे। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया कि 505 का यहां पर ब्लॉक 1 लिख दिया गया है जिससे आपको आसानी हो। इसी प्रकार से अगर आप ऊपर जाइएगा तो यहां पर आप देख लीजिए 504 का ब्लॉक 1 यहां पर लिख दिया गया है, तो पूरा 504 का ब्लॉक 1 इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जितने भी लेसन्स हैं आप जाके देख लेंगे। उसी तरीके से आप जब आगे जाइएगा तो
504 का ब्लॉक 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन पार्ट 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक 2 सिर्फ एक कोर्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट 1 है ना, ये पूरा है संख्या एवं संख्याओं की संक्रियाएं पर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है इसका, और इस पे जो है आपको मेजर क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसमें थोड़ा सा है समझने वाला भी, इसलिए इसके लिए पूरा कोर्स बना दिया गया। तो ब्लॉक 2 का पार्ट 1 हुआ ये। आगे यहाँ पर आपको जो आएगा, अब यहाँ पर ब्लॉक 2 का पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है, उसमें आपका कुछ कवर होगा। फिर ब्लॉक 2 का पार्ट 3 आएगा, उसमें कवर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगा। तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अगर किसी में पार्ट नहीं लिखा है तो समझ जाइए कि वो ब्लॉक में बस एक ही कोर्स है। इसके बाद अगर आप ऊपर चलिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो सीटेट का था, इसके ऊपर देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 505 का ब्लॉक 2 यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मतलब कि अभी तक आपको टोटल, अगर मैं दिखाऊं तो मैं छोटा करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो टोटल अभी तक आपको आपसे रिलेटेड 4 कोर्स डाला गया है। पहला कोर्स है यहाँ पर 505 का ब्लॉक 1, दूसरा है 504 का ब्लॉक 1, तीसरा है आपका यहाँ पर 504 का ब्लॉक 2 का पार्ट 1, और चौथा है 505 का ब्लॉक 2। अब आपका आएगा, आने वाला है आज रात में या कल तक आ जाएगा, 504 का ब्लॉक 2 का पार्ट 2 आ जाएगा, और वहां पर आपका 505 का ब्लॉक 3 भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कवर तो कर लेंगे, 8 से 10 दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आ गया है उसको आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर जो है पहला स्टेप, ये पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप है एमसीक्यू टेस्ट। ये एमसीक्यू टेस्ट क्या है? ये एमसीक्यू टेस्ट डेली आपके योर ऑनलाइन पार्टनर चैनल पे होता है। ठीक है, जब समय मिलता है तो रात में भी होता है, नहीं तो सुबह में होता है। सुबह में 6 बजे होता है, रात में 9 बजे होता है। रात में 9 बजे हम आजकल नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था लास्ट वीक में, आगे भी समय मिलेगा तो होगा, लेकिन सुबह 6 बजे अभी चल रहा है। या अगर आप तभी नहीं भी देख पाते हैं तो आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टेस्ट करना है। ये एमसीक्यू टेस्ट आपको कहां से मिलेगा? तो सेम जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसमें पहला आपने डिस्क्रिप्शन देखा, जिससे कि आप यहां पर हमारे अनअकैडमी पे गए, वहां पर फॉलो किया। उसके बाद जो आप दूसरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, ये है आपका कोर्स 504 का एमसीक्यू टेस्ट का प्लेलिस्ट, और ये है कोर्स 505 के एमसीक्यू का प्लेलिस्ट। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे दोनों पे, तो एक एक करके दिखाता हूँ मैं। 504 के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वीडियो नंबर मेंशन कर रहा हूँ मैं, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 11, 12 तक आया है, 12 MCQs आया है। तो ये 12 वीडियोज आपको देख लेना है। उसके बाद आप कोर्स 505 वाले पे क्लिक करिएगा, तो इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4 #1, #4 है ना, 3, 4 करके यहाँ पर टोटल आपका 10 वीडियो आया है। तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर दिए, अभी मैं यहाँ पर सारा कुछ मॉडिफाई किया हूँ आपको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए। तो टोटल यहाँ पर आपका 10 वीडियो 505 में आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शॉर्ट नोट्स चल रहा है उस, वो आप लोग अगर पहले देखते जाते हैं यहाँ पर, तो आपको एमसीक्यूज भी आसानी से बनते जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी पैरेलली चल रहा है, और आपका जितना शॉर्ट नोट्स है उतना एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जितना आया है वो कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लीजिए जो आपके चैनल पे है, तो मतलब कि आपका पूरा 100% यहाँ पर काम चल रहा है। अभी यहाँ पर आपको एक नई चीज होने वाली है, स्पेशल रिविजन क्लास। ठीक है, ये होगी अनअकैडमी पे, क्योंकि अनअकैडमी पे अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, और आप देखिए अगर तो यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर आपका 1,00,000 व्यूज होने वाला है। तो अनअकैडमी से जो है आपके योर ऑनलाइन पार्टनर को कई बार से यहाँ पर बहुत दिनों से आ रही है, और यहाँ पर अब चूंकि हमारा 1,00,000 व्यूज होने वाला है, और काफी वेरीफाइड और काफी टॉप एडुकेटर में नाम आ चुका है, तो हमें वहां पर अनअकैडमी पे लाइव क्लास कराने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप पीपीटी भी देखेंगे, फेस भी देखेंगे, अपना प्रश्न भी पूछ पाएंगे, और उसके साथ साथ जो है डिस्कशन भी होगा। तो वो बिल्कुल वेरीफाइड प्लेस पे, सिर्फ और सिर्फ जो लोग सीरियसली सीरियस होंगे वही लोग वहां पे जाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो रियली में सीरियस हैं अपने एग्जाम के प्रति वही बस इससे जुड़े, तो वहां पे वो जाएंगे। वो बहुत जल्द मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला में क्या करेंगे, 504 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपको रिविजन करेंगे। वो करीबन 1 से 1.5 घंटे का पूरा क्लास होगा, लाइव क्लास होगा अनअकैडमी पे। वो आप देखेंगे, और उसमें उस 1.5 घंटे में आपको पूरा वो कंसेप्ट वहां पर लाइव में क्लियर किया जाएगा, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका भी वहां पर आंसर दिया जाएगा। वो एक स्पेशल क्लास कहा जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हम वहां पर जो है डिस्कस करेंगे, और वो अगर आपने कर लिया थर्ड स्टेप में, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है शॉर्ट नोट्स एमसीक्यूज के बाद, वो अगर आपने कर लिया। चौथा एक सेल्फ टेस्ट भी हमने स्टार्ट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो यहाँ पर अनअकैडमी पे वीडियो आ रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कोर्स में
12 लेसन था, 13 लेसन था, उसके बाद हम कुछ टेस्ट का वीडियो भी डाल दे रहे हैं। आपको क्या करना है, उस टेस्ट को सॉल्व करना है, और अगर उसमें मान लीजिए एक अंक में या एक नंबर में लिखना पॉसिबल है तो कमेंट में आप आंसर कर देंगे, लेकिन आप उसे अपने पेन कॉपी पे अच्छे से बनाएंगे। वो क्या है, आपके रिविजन के लिए मैं वो कर रहा हूँ कि आप लोग उन सब चीज़ों के लिए भी हैबिचुएट हो जाएं। और मैं आपको बार बार शॉर्ट नोट्स भी लिखने इसलिए बोल रहा हूँ अपने नोट पे, ताकि आपको लिखने का भी अभ्यास हो जाए, और जब कोई चीज़ आप लिख लेते हैं ना तो वो वर्ड से आप और भी ज़्यादा परिचित हो जाते हैं, एकदम याद रह जाता है। तो इसलिए दुनिया कितना भी डिजिटल हो जाए, जब तक आप पेन पेपर में नहीं लिखेंगे, सबसे बेस्ट वही समझने का तरीका है। तो वो हो गया हमारा यहाँ पर, अब आपका जो है थर्ड स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा हो गया। ये चार स्टेप ही मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था, ये चार स्टेप हम लोग अभी कर रहे हैं। पांचवा स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, चूंकि अभी जो चैनल पे एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है वो चूंकि लाइव चलता है, आप लोगों के भी आते हैं, तो थोड़ा लंबा चल जाता है। तो अगर यहाँ पर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कह सकते हैं अंडर वर्क है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सारा एमसीक्यू का सेट एक साथ आपको करा दूंगा, एक्सप्लेन करके जल्दी जल्दी में जो है पूरा एक साथ, बस उसमें कोई वो लाइव नहीं रहेगा। उसमें मैं पूरा सेट ऑफ एमसीक्यू, सपोज कि मैंने 50 MCQ ले लिया, 25 MCQ ले लिया, और उसको एक साथ आपको समझाते हुए करवा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो आप कम समय में ज़्यादा भी क्वेश्चन देख पाएंगे, और वो आपका एक्सप्लेनेशन भी दिमाग में रहेगा, और एक्सप्लेनेशन योर ऑनलाइन पार्टनर पे आपको ऐसा मिलता है कि उससे या उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी निकले तो आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ये पूरा प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर लिया, और ये काफ़ी ईजी है, क्योंकि जब आप योर ऑनलाइन पार्टनर पे लाइव टेस्ट ज्वाइन करते हैं या वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब काफ़ी सौहार्द और काफ़ी अच्छा जो है, अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से आप जो है पढ़ाई कर लें। आराम से आप अपने स्कूल को करते हुए, बाकी कामों को करते हुए ये काम कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कोऑपरेट करना है। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। और अगर आपको मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप योर ऑनलाइन पार्टनर यूट्यूब पे सर्च करिए, यहाँ पर यूट्यूब पे जाके, और उसके बाद चैनल पे देख लीजिए कि अभी क्या वीडियो डाला गया। आपको पता ही है ना, सुबह और शाम एक एक वीडियो डाला जाता है कम से कम, उसके बाद भी दिन में अगर कोई अर्जेंसी होता है तो डाला जाता है। तो जब भी मौका मिले यूट्यूब पे योर ऑनलाइन पार्टनर सर्च करके अपने चैनल पे आके देख लीजिए कि अभी क्या क्या नया वीडियो डाला गया है। नोटिफिकेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, यूट्यूब तो भेजता नहीं है नोटिफिकेशन। उसी प्रकार से यहाँ पर हाँ, जो अनएकेडमी पे अभी हमने आपको बताया कि जो आपका चार ब्लॉक अलग अलग से डाला गया है, तो ये आप डायरेक्ट जो अभी हमने यहाँ पर पहला लिंक आपको दिया था, यहाँ से तो आप अनएकेडमी पे यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ से आप जाके सब एक साथ देख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली किसी ब्लॉक पे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने अलग से आपको लिंक दे दिया है। जैसे देखिए अनएकेडमी शॉर्ट नोट्स 505 ब्लॉक 2, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं और चले जाते हैं, तो 505 ब्लॉक 2 का जितना भी होगा वो वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका पहला वीडियो जैसे दिख गया, उसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना भी है वो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर मान लीजिए कि अनएकेडमी शॉर्ट नोट्स 504 ब्लॉक 2, ये अगर देखिएगा तो 504 ब्लॉक 2 जो है, इसका ये पार्ट 1 है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ अभी, ये पार्ट 1 होगा, ब्लॉक 2 का पार्ट 1, यहाँ पे जाइएगा तो इससे पार्ट 1 से रिलेटेड जितना वीडियो होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा वीडियो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और उसके बाद एक टेस्ट भी हमने आज डाला था, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आपने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर चीज़ें चलेंगी, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें भी यहाँ पर आप अनएकेडमी शॉर्ट नोट्स जो भी डायरेक्ट जाना चाहते हैं लिंक, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्लियरली मेंशन रहेगा, वहाँ से डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप अनएकेडमी पर यहाँ पर चले जाइएगा तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक टू पार्ट वन, या ब्लॉक वन 504 या 505, सब कुछ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉलो करिए, डेफिनेटली यू विल बी रॉकिंग इनटू द एग्जामिनेशन, ये मेरा पूरा विश्वास है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि अनएकेडमी पे तो आप लोग फॉलो करें ही, योर ऑनलाइन पार्टनर को यूट्यूब पे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।